पीएनआर करेंट स्टेटस आरईएलडी। जब भी आप अपनी ट्रेन टिकट का पीएनआर स्टेटस चेक करते हैं तो आपको ऐसा लिखा हुआ आता है आरईएलडी या फिर आरईएलडी ऑब्लिक जीरो, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज के वीडियो का टॉपिक है ट्रेन टिकट का करेंट स्टेटस आरईएलडी क्यों है, या फिर ये कहें ट्रेन टिकट का करेंट स्टेटस आरईएलडी ऑब्लिक जीरो क्यों है, आरईएलडी ऑब्लिक जीरो का क्या मतलब है, आरईएलडी ऑब्लिक जीरो ट्रेन टिकट में क्या होता है, आरईएलडी इन ट्रेन, आरईएलडी इन ट्रेन इन हिंदी, आरईएलडी इन इंडियन रेलवे, आरईएलडी इन रेलवे, आरईएलडी मीनिंग इन ट्रेन टिकट, आरईएलडी इन रेलवे टिकट। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आप किसी भी वेबसाइट में चेक करेंगे आपको ऐसा ही दिखाई देगा जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। सारी वेबसाइट का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रखा है, सब जगह यही दिखाई दे रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आरईएलडी क्या है, तो इसी को बताने के लिए आज मैं आपको अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर लेके आ गया हूँ। अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको गूगल में जाएंगे, जैसा कि आपको गूगल में जाके पीएनआर इंक्वायरी पर सर्च करेंगे। अब पीएनआर इंक्वायरी जब सर्च करेंगे तो आपके पास पीएनआर नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपकी जो ट्रेन टिकट का पीएनआर है उसे आपको यहाँ पे डालना है। जब आप ट्रेन टिकट का अपने पीएनआर यहाँ पर डाल देंगे तो पीएनआर का क्या चेक करना है, पीएनआर का करेंट स्टेटस चेक करना है। तो अभी मैं ये क्या किया है, मैंने गूगल में ओपन किया है, मैं इक्सिगो और जो IRCTC का ऐप है उन तीनों में चल के दिखाऊंगा, ठीक है, कि किस में करेंट स्टेटस पता चलेगा और किस में पता चलेगा कि आरईएलडी ऑब्लिक जीरो का क्या मतलब है। जब यहाँ पे आप डाल देंगे गूगल में और गूगल में पीएनआर डालने के बाद सबमिट कर देना है। जब सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट प्रिपेयर हो गया, लेकिन ट्रेन का करेंट स्टेटस आरईएलडी ही दिखा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं PQWL दिखा रहा है और नीचे देखेंगे तो चार्ट प्रिपेयर हो गया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है चार्ट प्रिपेयर्ड ट्रेन करेंट स्टेटस आरईएलडी। तो क्या करें, चार्ट प्रिपेयर हो गया, ट्रेन का करेंट स्टेटस आरईएलडी ऑब्लिक जीरो है, तो क्या करें। अब ये देख सकते हैं करेंट स्टेटस पीएनआर का, या फिर ये कहें ट्रेन टिकट का करेंट स्टेटस आरईएलडी ऑब्लिक जीरो क्यों है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है करेंट स्टेटस है, मेरी पीएनआर का करेंट स्टेटस आपको दिखाई दे रहा है। ये कहाँ पर मैंने दिखाया आपको, मैंने गूगल में दिखाया क्योंकि गूगल सही बताता है, लेकिन हो सकता है गूगल का गलत हो, इसीलिए मैं आपको दूसरे वेबसाइट में दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस वेबसाइट में आपको करेंट स्टेटस बिल्कुल सही पता चलेगा और REW का मतलब कंफर्म होता है या नहीं होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये सब कुछ नहीं आता है तो आप अपने मोबाइल पर वेट करेंगे मैसेज का, नॉर्मल मैसेज आ जाएगा, लेकिन 90% लोगों को नॉर्मल मैसेज नहीं आता है क्योंकि वो लोग अपना मोबाइल नंबर करेक्ट नहीं देते हैं, या फिर जो टिकट बुक करने वाला है वो आपका मोबाइल नंबर करेक्ट नहीं डालता है। तो अब इक्सिगो का जो ऐप है मैं आपको उसमें ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसमें पता चलेगा या नहीं पता चलेगा आरईडब्ल्यू आरईएलडी का मतलब आरईएलडी। तो इक्सिगो में आके मैं पीएनआर स्टेटस में जाता हूँ और यहाँ पे पीएनआर नंबर डाल देता हूँ। तो चलिए मैं पीएनआर नंबर डाल के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या करेंट स्टेटस दिखा रहा है, उसके बाद आपको सोल्यूशन भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि पीएनआर का करंट स्टेटस आरईएलडी क्यों होता है और आरईएलडी मींस इन ट्रेन टिकट, आरईएलडी मींस इन रेलवे ट्रेन टिकट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया पीएनआर स्टेटस, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुकिंग वेटिंग लिस्ट 32-33 दिखाई दे रहा है और आरईएलडी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरईएलडी आरईएलडी ऑब्लिक जीरो या आरईएलडी दिखाई देगा, ऐसा क्यों है। सभी लोग, मेरी ट्रेन खुद छूट गई इसी चक्कर में, इसीलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बना के समझा रहा हूँ जिससे आपके ट्रेन ना छूटे। और इसका मतलब होता है करेंट स्टेटस आपको सीट मिल गई है। तब ये कैसे पता चलेगा कि आपको सीट मिली है, आरईएलडी मतलब आपकी सीट कंफर्म हो गई है। तो अब चलते हैं IRCTC वाला जो एप्लीकेशन है इसमें चलते हैं
और इसमें से चेक करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें ट्रेन का करंट स्टेटस मुझे सीट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर आ गया हूँ मैं, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। कौन सा एप्लीकेशन? इंडियन रेलवे का। इंडियन रेलवे को एप्लीकेशन ओपन करके यहाँ पे बुक टिकट वाले ऑप्शन में जब जाएंगे तो आपको पीएनआर इंक्वायरी का ऑप्शन आएगा, ये यहाँ पे पीएनआर इंक्वायरी। अब इसे ओपन करके मैं पीएनआर नंबर डाल लेता हूँ और सर्च कर देता हूँ। जब आप पीएनआर नंबर डालने के बाद यहाँ पे सर्च कर देंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपकी पीएनआर का करेंट स्टेटस। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट 32-33 थी, करंट स्टेटस RELD-0 लिखा हुआ है। मतलब रेलवे का जो ऑफिशियल ऐप है इसमें भी नहीं दिखाई देता है, तो कहाँ दिखाई देगा कि आपकी सीट कौन सी है, आपकी सीट कंफर्म हुई है नहीं हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि RELD क्या है। तो पहले आपको बता देता हूँ, व्हाट डज RELD मीन इन ट्रेन टिकट। मतलब RELD मीनिंग इन ट्रेन टिकट, RELD मीन्स इन ट्रेन टिकट। तो RELD स्टैंड्स फॉर होता है रिलीज्ड, इट मीन्स योर टिकट नॉट कैंसल्ड बट अल्टरनेटिव एकोमोडेशन प्रोवाइडेड। मतलब RELD का मतलब ये है कि आपकी ट्रेन टिकट कैंसिल नहीं हुई है और आपकी सीट कंफर्म हो गई है, लेकिन आपको दूसरी जगह आपको क्या सीट दी गई है। अब ये कैसे पता चलेगा, अब इसका मतलब क्या है सिंपल वर्ड में, कि आपका पीएनआर क्या हो गया है, पीएनआर की जगह आपको एक नया पीएनआर जनरेट करके दिया गया है रेलवे की तरफ से। ऐसे इसकी ये किस कारण से होता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपका जो पीएनआर था उस पीएनआर को कैंसिल करके नया पीएनआर दे दिया गया है रेलवे की तरफ से और सीट कंफर्म हो गई है। अब सिंपली आपको गूगल में आ जाना है, अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको वही बता दूंगा कैसे पता चलेगा आपको। आपको यहाँ पे गूगल पे आके पीएनआर इंक्वायरी सर्च करना है। अब आपको यहाँ पे डाल लेना है क्या, अपना पीएनआर नंबर, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। तो चलिए मैंने पीएनआर नंबर यहाँ पे डाल लेता हूँ, डाल दिया है। अब सबमिट कर दूंगा, जो सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा कि 30+40 कितना होता है, 70 होता है, और 70 करके मैं सबमिट कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। मैंने ये पहले भी किया है, लेकिन यहाँ पे पहले नहीं पता चला मुझे, RELD दिखाई दे रहा था। देखो ये मैंने सब शुरू में ओपन किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं RELD-0 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहीं पे पता चलेगा आपको आपका सीट नंबर और सब कुछ। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और लाइव दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे अभी RELD-0 है, और RELD का मतलब क्या होता है, आपका PNR न्यू जनरेट कर दिया गया है, पुराना PNR कैंसिल हो गया था। सबसे ऊपर राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट में जाएंगे और अपने मोबाइल में डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डेस्कटॉप साइट आ जाएगा। जब डेस्कटॉप साइट आ जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको अपना PNR नंबर यहाँ पर फिर से डाल देना है, या पहले ही डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट कर सकते हैं आपका जो मन हो। ठीक है, अपने मोबाइल में डेस्कटॉप साइट को सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना अपना पीएनआर। जब ऐसा करेंगे तो आपके पास बड़ा सा पेज खुल जाएगा। अब बड़े से पेज में मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन, इसमें करंट स्टेटस लिखा है, चार्ट प्रिपेयर्ड, और रिमार्क्स वाला ऑप्शन जो है, मैं ऊपर देख सकते हैं RELD-0 है, और नीचे क्या है, करंट स्टेटस चार्ट प्रिपेयर्ड, लेकिन आपके लिए न्यू आपको ओल्ड पीएनआर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने बता दिया। अब ये आपका न्यू पीएनआर हो गया है, क्योंकि रेलवे ने आपका पीएनआर नया जनरेट कर दिया है। ये बहुत सारे कारण है नया जनरेट करने के पीछे, लेकिन अब आपको पता चल गया है नया पीएनआर नंबर। अब इस पीएनआर को आप कहीं भी डाल के अपने ट्रेन टिकट का सीट बर्थ चेक कर सकते हैं और आपको कंफर्म सीट मिलती है। तो RELD का मतलब क्या होता है, कंफर्म सीट मिली है। तो चलिए अभी इस नए वाले पीएनआर को मैंने डाल लिया है और सबमिट कर दूंगा तो आपको दिखाई देगा क्या, अभी आपको दिखाई देगा मेरा सीट नंबर और सब कुछ, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मेरा पैसेंजर 1, पैसेंजर 2, कन्फर्म B में, AC में, AC
एसी कोच में मेरा यहाँ पे टिकट कंफर्म हो गया है। तो आपको ऐसे ही पता करना है। और बहुत सारे लोग डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट नहीं करते हैं तो उनको ये वाला नया वाला पीएनआर नहीं मिलता है। तो REW का मतलब होता है कि आपका पीएनआर नंबर पुराना वाला कैंसिल हो गया है, नया पीएनआर रेलवे ने जनरेट कर दिया है। अब अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं, तो आपको अपने मोबाइल के नंबर में मैसेज आ जाएगा ट्रेन में चार्ट प्रिपेयर होने के बाद। अगर वो भी नहीं आता तो आप रेल में जाके ट्रेन में जाके TT से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देगा। तो अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आप अपने मोबाइल के नॉर्मल मैसेज में चेक करेंगे अगर आपका मोबाइल नंबर सही है, क्योंकि 90% लोगों का मोबाइल नंबर सही नहीं होता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया है। तो आपको चेक करने का ऑप्शन यही है। और ट्रेन टिकट करेंट स्टेटस REL क्यों होता है, REL एंड ट्रेन टिकट्स, REL क्या है, REL का क्या मतलब होता है, REL ट्रेन टिकट में क्या होता है, REL इन इंडियन रेलवे, REL इन ट्रेन टिकट्स, तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा।